भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पिछले 24 घंटे से अधिक समय से पेटलावद में जल सत्याग्रह जारी है। सोयाबीन के भाव बढ़ाए जाने की मांग को लेकर एवं अन्य कई मांगों को लेकर पेटलावद में जल सत्याग्रह चल रहा है, जिसमें पिछले 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। जो किसान है वो लगातार लाड़की नदी पर जुटे हुए आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वही किसान है जो पिछले 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी अभी भी इस नदी पर लगातार जो जुटे हुए हैं, और इनके पैरों को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए किस तरह से जो इनके जो पैर है उनमें अब छाले पड़ने लगे हैं। लेकिन अभी तक जो किसान हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, और अभी भी जिस तरह से जो इनकी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण आज भी इन्हें यहाँ पर लगातार जो जल सत्याग्रह है वो करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिला अध्यक्ष, जो कि लगातार इस पूरे जो जल सत्याग्रह चल रहा है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। महन भाई, अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है, लगातार 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है, क्या अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी अब आपके पास पहुँचे हैं या कोई बात होने वाली है? ऐसी कोई ऑथेंटिक सूचना हमारे पास नहीं आई है। ये आई है कि कलेक्टर मैडम आने वाले हैं, ये अभी हल्की फुल्की सूचना है, हमको ऑथेंटिक कोई सूचना नहीं है। हम मैडम से ये नहीं चाहते कि आप हमारी मांग अभी के अभी पूरा करो, पर हम हाथ जोड़ के निवेदन ये कर रहे हैं कि हमारी मांग ऊपर तक पहुँचाएँ, एक मिनट आकर हमको सुन लें, हम आपकी प्रतीक्षा में पिछले 24 या 27 घंटों से आपकी प्रतीक्षा में मैडम, आपसे हाथ जोड़ के हृदय निवेदन है, ये किसान की बात है। रात में भी कुछ अधिकारी पहुंचे थे, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई और क्या मांगे हैं आपके? सोयाबीन के भाव तो बढ़ाना है, उसके अलावा भी कुछ मांगे हैं? रात में भी बात हुई, पर उस समय क्या है कि हमारा किसान जो है ये इधर उधर बोल रहे थे कि भाई रात की 12 बज गए, अब कोई बात ज्ञापन की सुबह ही करेंगे, इसलिए हमने शांतिप्रिय बोल दिया था प्रशासन को कि हम सुबह बात करेंगे। अच्छा, और भी किसान है यहाँ पर बल्लू भाई, किस तरह से अभी लगातार आप जुटे हुए हैं रात्रि में भी यहाँ तक, किस तरह से रात गुजरी, क्या परेशानियों का सामना करना? परेशानी तो कोई प्रशासन अपनी तरफ ध्यान दे ही नहीं रहा भाई, 24 घंटे हो गए, और SDM मैडम जो भी 12 घंटे में पहुँचे वहाँ पे, अब पेट्रोल 24 घंटे ऊपर क्रॉस होने आ गया, अभी तक पहुँचे नहीं है। किसानों को देखो आप कितने हुजूम खड़ा हुआ किसानों का। अच्छा, अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है प्रशासन से आपकी? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन के जिला महामंत्री जितेंद्र जी पाटीदार भी यहाँ पर है। जितेंद्र भाई, आप भी लगातार लगे हुए हैं यहाँ पर, प्रशासन सुन नहीं रहा है, कोई बात नहीं हो पा रही है, क्या वजह? प्रशासन मतलब हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है ऐसा लगता है, वो नहीं चाहते कि किसानों की जो मांग है वो ऊपर लेवल तक जाए, लेकिन हम जो हमारी मांग है वो मनवा कर रहेंगे, वो जितना जल्दी आए उनके लिए अच्छा है। अगर किसी किसान के साथ अगर कुछ होता है तो फिर किसान चुप बैठने वाला नहीं है यहाँ पर। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लगातार जो जल सत्याग्रह है वो लगातार चल रहा है, इसमें बड़ी संख्या में आज आपको यहाँ पर महिलाएं भी देखने को मिलेगी, जो आसपास क्षेत्र से जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँची है, और वो भी जो ये किसान का जो आंदोलन चल रहा है जल सत्याग्रह, उसको समर्थन कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्षेत्र की महिलाएं हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। सभी की एक ही मांग है कि सोयाबीन के जो भाव है उन्हें 6000 किया जाए या उससे अधिक किया जाए। साथ ही इनकी जो कुछ और भी मांगे हैं उनको लेकर लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। कलेक्टर मैडम से भी उनकी यही मांग है कि सिर्फ एक मिनट यहाँ पर आकर किसानों की बात को सुने, दूसरे अधिकारियों से किसान बात नहीं करना चाहते, जिसके कारण ये लगातार जो जल सत्याग्रह का समय है वो बढ़ते जा रहा है। लगातार आप बने रहिए सिविल लाइन पर, आपको अगली खबरें हम लगातार